हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने जा रहे हैं एक और टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक है बीएससी का, सेंटर ऑफ मास। 11th क्लास में हमने किया हुआ है। तो एक ऐसा पॉइंट होता था वहाँ पे, अब क्या होता है फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जनरली ट्रेटेड होते हैं मास पॉइंट में, यानी कि उसके पास मास होता है लेकिन साइज़ नहीं होता है। लेकिन रियल यूनिवर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे पॉइंट मास नहीं होता है, लेकिन तो कह सकते हैं उनके पास क्या होता है, शेप और साइज़ होता है, यानी कि उनके पास मास भी होता है। तो उन पार्टिकल की भी बात अलग होती है। तो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो मास पॉइंट होता है उसके पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एनी टाइम पे, तो वो मोशन एनी वन पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट होगा। मोशन किसके लिए, उस होल बॉडी के लिए। लेकिन जब बॉडी हमारी वाइब्रेट करती है, रोटेट करती है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंट पार्टिकल हमारा कह सकते हैं एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट होता है जो हमारा मूव करता है सेम वे में। तो ऐसे सिंगल वेव पार्टिकल सब्जेक्ट पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो ऐसे पार्टिकल के लिए एक सिंगल पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं एक ऐसा पॉइंट जिस पर होल मास किसी भी बॉडी का क्या कर लेते हैं, सपोज टू बी कंसिडर कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, पहले हेडिंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो एक ऐसा पॉइंट तो लिखेंगे इसमें, ए पॉइंट, दैट पॉइंट, द पॉइंट, या फिर एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी मे बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है जी। तो एक ऐसा पॉइंट, अब हमारे पास क्या है कि दो पार्टिकल हैं जिनका मास, यानी कि सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल है जिनका मास इस हमारा कितना है, इसका ओरिजिन नौ हो गया, तो एक का मास m1, एक का मास m2 हो गया। तो ये हमारा एक पॉइंट होगा जिस पर हम किसी उस बॉडी का क्या मानेंगे, उस सिस्टम का जो मास होगा उसको क्या मानेंगे, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मानेंगे, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से x1 है, एक का कितना है जी, x2 है, क्लियर है बात। चलिए तो सेंट्रो मास कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स ही से डिनोट करेंगे, सेंट्रो मास डिस्टेंस एक्स ही, ये हो जाएगा जी m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2, वेयर जो जो चीज़ें हमारे पास हैं m1 m2 बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड x1, या फिर पहले आप लेटेस्ट कंसिडर दैट द पार्टिकल ऑफ मास m1 m2, ठीक है, एट डिस्टेंस x1 एट फ्रॉम ओरिजिन ओ, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में पहले फॉर्मूला लिख रहे हो और उसके बाद ये करके दिखा दो। x1 x2 क्या हैं, डिस्टेंस है ऑफ पार्टिकल, जैसा आप चाहें ऐसा लिख सकते हैं, पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ओ, ठीक है जी बात। चलिए जी इसको m1 m2 ऐसे भी लिख सकते हैं, xc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 हो जाएगा, m1 m2 हमारा होल मास होगा, तो xc इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टोटल मास
टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है जी। अब हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, तो तब क्या होगा, तो ऐसे करेंगे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। तो एक पार्टिकल हमारा ये रहा एम वन, इसको यहाँ पे वाई ये एक्स दोनों को मिला देंगे, ये वाई वन ये एक्स वन, डिस्टेंस हमारी एक्स वन हो जाएगी। चलिए जी, एम टू ये रहा, ठीक है, यहाँ पे वाई टू, यहाँ पे एक्स टू, ठीक है। चलिए एक सी पॉइंट मान लीजिए इनके बीच में, जिस पर हमारा होल मास टू भी कंसिडर होगा, कंसंट्रेट होगा, सी हो गया और ये हो जाएगा वाई सी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे तो एक्स सी कैसे निकलेगा, अब एक्स सी हो जाएगा हमारा एम वन एक्स वन, इस बार समेशन जुड़ जाएगा बस, एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस एम एन एक्स एन अपॉन में एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट डॉट एम एन कर दीजिए, ठीक है, या फिर एम थ्री ऐड कर दें यहाँ पे। क्लियर है जी। समेशन हो जाएगा आप एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू किसके, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन, किस समेशन की जगह कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, वेयर एम इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एट वाई एंड जेड, ठीक है। तो उस पर डिनोट होगा सेंटर ऑफ मास वाई सी से, समेशन ऑफ एम आई निकल जाएगा, वाई आई निकल जाएगा, समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई, सॉरी वाई पे निकाल रहे हैं ना, समेशन ऑफ एम, समेशन नहीं आएगा अब, ठीक है। एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड जेड सी पे, जेड सी पे निकल जाएगा एम आई, बस जेड आई आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई, आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, वन से एन तक, समेशन एम आई जेड आई अपॉन एम, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास हमारा निकल गया किस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है जी। तो m क्या आता है यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वेयर m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या फिर सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और वेक्टर नोटेशन में निकालेंगे तो क्या होगा, इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन इच पार्टिकल, इच पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ पोजिशन वेक्टर आर आर आई, ठीक है, सच दैट आर आई या फिर आर सी हो जाएगा हमारा, एक्स आई होता है प्लस वाई जे प्लस जेड आई, ठीक है, वाई आई हो जाएगा क्योंकि हम आर आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पोजिशन वेक्टर कितना होगा यहाँ से सेंटर ऑफ मास का, एक्स सी आई प्लस वाई सी जे प्लस जेड सी के, तो आर वेक्टर सी हो जाएगा, वन अपॉन एम को बाहर ले लो जैसे हम करते आए थे, समेशन ऑफ एम आई, और पोजिशन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, आर आई है हमारा, तो ये आर सी हमारा बन गया। क्लियर है जी बात। अच्छा जी, अगर हमारे पास रिफरेंस फ्रेम हो तो आर सी हमारा जीरो हो जाएगा, एम आई आर आई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ एनी सिस्टम हैव द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम विल रिम ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब समेशन एक्सपेंड हो रहा हो हमारा स्मॉल मासेस के लिए, तो समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वही करनी है हमें। ठीक है भाई, टॉपिक करके आए हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 11th क्लास में किया था, 11th क्लास वालों का रिवीजन हो जाएगा और बीएससी वालों का ये है टॉपिक। ठीक है, तो आगे इसका यूज़ हुआ हुआ है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है हमने, और आपका एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क भी हमारा निकला है, इसी से हम निकालते हैं उन चीज़ों को। तो और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और आपका टॉर्क में, रिलेशन दोनों में बड़ा इम्पोर्टेंट है, दो नंबर में कई बार कई यूनिवर्सिटियों में से हमारा रिपीट हुआ हुआ है, तो उसको भी कर ले ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। सो जो समेशन है हमारा रिप्लेस्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन से। दैट इज एक्स ही कितना होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स का मास अब स्मॉल हो जाएगा इंटू डी एम। ठीक है, यहाँ पे एम आता था समेशन एम, तो ये अब डी एम हो जाएगा, यानी कि वन बाय एम लिख सकते हैं इस डी एम को, और ये हो जाएगा एक्स का डी एम। ठीक है, दिख गया। चलिए उसके बाद वाई सी, ये कह सकते हैं हम वाई का डी एम इंटू डी एम वन बाय एम वाई का डी एम हो गया। ठीक है, चले जी, वहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जेड सी निकालें, जेड सी हो जाएगा, ये हो जाएगा जी जेड का डी एम अपॉन इंटू डी एम, और इसको लिख सकते हैं डी एम हो जाएगा वन बाई एम, यानी कि जेड डी एम। ठीक है, एम क्या है, वेयर एम इज इक्वल्स टू डी एम द होल मास ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, वेक्टर नोटेशन में लिखें इस चीज़ को हम, वेक्टर नोटेशन में, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वन बाय एम आर वेक्टर का डी एम। ये सेंटर ऑफ मास था हमारा। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।